अरे इस बोरे से में क्या रहेगा? अभी ये तो सीमेंट है। ऊपर चढ़ जाओ, एक जना नीचे से ऊपर चढ़ जाओ। ये है सब ऊपर है, ये ऊपर भी रखा है, ये रास्ता है। बड़े भैया किनका घर है? तो बड़े भैया ये किसका मकान है? नहीं वो था तो आसिफ और आमिर का है, पढ़ ले वाला क्या बताना है। तो आसिफ और आमिर का ये मकान, आसिफ और आमिर। हां लेकिन उनके बाप का नाम क्या वाली है? चलो आलिए हेलो बुक हो गया। इसके आसिफ के बाप का नाम क्या है? उधर तो बनते थे सब, वो वाली सामने इसमें आपकी जानकारी लेना चाहूँगा। सीओ सिटी वन इंदु सिद्धार्थ और एसएचओ मंडी के नेतृत्व में ये एक रेड हुई है, जिसमें साथ में सीएफओ साहब भी थे। इनके नेतृत्व में एक ये रेड हुई है जिसमें अवैध रूप से पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री का अनावरण किया गया है। इसमें 19 कार्टन तैयार माल मिला है। इसके अलावा एक दूसरा मकान बंद है जिसमें कि ये मकान में माल तैयार करते थे, और एक जो मकान जिसमें से माल मिला है एक स्टोरेज करने की जगह जहाँ पर ये मकान में माल रखते थे। ये आसिफ नाम के किसी व्यक्ति का घर बताया जा रहा है, जो अपने व्यक्तिगत प्रयोग में इसको ला रहा था, और इससे पूर्व में ये आतिशबाजी का काम करते रहे हैं। वर्तमान में इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ये गैर लाइसेंस इसको तैयार कर रहे थे। एक्सप्लोसिव एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मौके पर ये नहीं मिले हैं। गिरफ्तारी करके एक्सप्लोसिव एक्ट की धाराओं में इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा नाम राकेश मिश्रा है, सीसीएमबी से आई हुई मीटिंग के लिए, जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम बायोलॉजी के ऊपर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो ये बहुत ही सामयिक विषय है, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स सबसे तेज ग्रोथ वाली फील्ड है और सिस्टम बायोलॉजी तो अल्टीमेट है बायोलॉजी को कंप्यूटर और मॉलिक्यूलर डिटेल में समझना। बहुत आधुनिक और टॉपिक पर लोगों ने चर्चा किया कि इन्फॉर्मेशन जीनोम में कैसे रहता है, कैसे स्टोर होता है, उसका क्या कनेक्शन हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज से, और जीनोम के अंदर किस किस तरह के इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट, सैटेलाइट डीएनए, इस सब पे बहुत तरह की चर्चा हुई। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से फैकल्टी रिसर्च के जो लोग हैं और जो स्टूडेंट यंग स्टूडेंट हैं उनको
बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स हैं और उस पर आगे चल के बहुत ही काम होगा, और ये स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है।